हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि की रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज। मोमोज तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ और मेरी स्टाइल से कैसे मैं बनाती हूँ और मेरे मल्टी कलर के मोमोज आपको इतने अच्छे लगेंगे देखने में भी और खाने में भी, एक एक स्टेप में बताऊँगी आपको। आइए चलते हमारे किचन, बनाते हैं मोमोज, वो भी बहुत सारे कलर के और बहुत ही खूबसूरत मोमोज। आइए चलते हैं हमारे किचन में। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, मोमोज बनाने के लिए एक कटोरी मैदा लेते हैं हम, इतना, और थोड़ा सा नमक डालते हैं, क्योंकि हमारी मोमोज की कवरिंग फीकी ना लगे। और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मुलायम डो बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये डो बन के रेडी हो चुका है और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं ढककर। आइए फ्रेंड्स, मोमोज की फिलिंग बनाते हैं। पैन में थोड़ा सा तेल डालते हैं, एक छोटा चम्मच, और तेल में डालते हैं थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग। फ्रेंड्स, आपको पसंद है तो डालें, मेरी तो स्पेशलिटी बन चुकी है हर सब्जी में हींग डालने की। आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें फ्रेंड्स। और थोड़ा सा लहसुन डालते हैं, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा, मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा लाल हो जाने देते हैं लहसुन को। फ्रेंड्स, लहसुन हमारे लाल हो चुके हैं अच्छे से, अदरक लहसुन हरी मिर्च। और आइए इसमें डालते हैं ये अच्छे से चॉप की हुई पत्ता गोभी, आप उसमें चॉपर में भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, महीन महीन। ये देखिए, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने सोयाबीन को बॉईल करके इसको भी पतला पतला चॉप कर लिया है और इसको भी डालते हैं। मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स सारी चीज़ें। हमारी पत्ता गोभी पकी नहीं है तो इसको थोड़ा सा पकाएंगे 2 मिनट। जब तक आइए डालते हैं इसमें नमक, ये इतना। फ्रेंड्स देखिए, हमने कवरिंग में भी नमक डाला था तो इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, इतना मिक्स कर लेते हैं। और डालते हैं थोड़ा सा विनेगर फ्रेंड्स, ये देखिए इतना। और थोड़ी सी सोया सॉस, बस इतना। और मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स अच्छे से। मिक्स करके फ्रेंड इसको 2 मिनट के लिए लीड लगा के हम रख देते हैं, क्योंकि हमारी पत्ता गोभी पकी नहीं थी। सोयाबीन तो बॉयल था लेकिन पत्ता गोभी नहीं पकी थी, तो इसको पकने के लिए मैं लीड लगा के रख देती हूँ। फ्रेंड्स, हम मल्टी कलर के मोमोज बना रहे हैं तो 100 कटोरियों में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, एक एक चम्मच, ये देखिए फ्रेंड्स। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया आखिरी कटोरी। और इसमें डालते हैं हम ग्रीन कलर, ये फूड कलर है फ्रेंड्स खाने वाला, इतना।
और ये है ऑरेंज कलर। इतना फ्रेंड्स, इसको भी मिक्स कर देते हैं। और ये है पीला कलर, ये देखिए फ्रेंड्स। और दूसरा है हमारा नीला कलर है। सारे कलर हमारे खाने वाले ब्रांडेड कलर हैं फ्रेंड्स। इतना, और ये हमारा कलर है पर्पल, ये देखिए। अब इनको सबको मिक्स करके डो में मिलाना है फ्रेंड्स। हमारा डो रेडी हो चुका है, ये देखिए। और इसमें थोड़ा थोड़ा रख देते हैं और अच्छे से इनका कलर मिक्स करेंगे। इतना इतना, ये देखिए। इनको कलर मिक्स करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हम इसको मिक्स करके मिला लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारे कलर सब मिक्स हो चुके हैं डो में। और आइए इनको एक तरफ रखते हैं, आइए देखते हैं हमारी फिलिंग का क्या हाल है। कहीं हमारी अच्छे से पक चुकी है। और इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इसे ठंडा कर लेते हैं अच्छे से फ्रेंड्स। इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हैं। और जितनी हमने ये कलरफुल ये बनाया है डो, इसको बेल लेते हैं पतला पतला। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको पतला पतला बेल लेते हैं थोड़ा सा मैदा लगा के। इसी तरह सारी पूड़ियाँ हमको बेल लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, पतला होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी पूड़ियाँ इसके ऊपर कलरफुल रखनी है। तो पतला रहेगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये बन चुकी है एक। ये देखिए, ये इतनी पतली, इसको रखते हैं प्लेट में फ्रेंड्स। हमारी पांच कलर हैं, तो मैं पांच वाइट वाला भी बनाऊंगी बेल कर एक ऊपर एक रखने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, और इनको भी उसी तरह बेलते हैं, उसी तरह पतला पतला। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने वाइट और कलर इस पट्टियाँ बेल के रख ली हैं। और आइए इसको एक तरफ रखते हैं। सबसे पहले मैं वाइट रखूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने वाइट रख दी है। अब रखेंगे मैं ये पर्पल इस तरह फ्रेंड्स। फिर एक वाइट रखते हैं इस तरह। फिर मैं रखूँगी ऑरेंज इस तरह फ्रेंड्स। फिर मैं एक वाइट रखूँगी। फिर मैं ये रखूँगी नीला कलर। फिर मैं एक वाइट रखूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम कलरफुल ममोज बना रहे हैं। हमको एक नया लुक देना है फ्रेंड्स ममोज का। ये देखिए, अब हमने ग्रीन रख ली। और फिर मैं एक वाइट रखती हूँ इस तरह। और अब मैं येलो रखती हूँ। इनको रख के अच्छे से ऐसे दबा लें इस तरह फ्रेंड्स। और इसको टाइटली रोल करना है हमको, टाइटली एकदम इस तरह रोल करना है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह। ये हमारा रोल हो चुका है, इसको इस तरह पतला करना है हमको। इसको मैंने लंबा लंबा ऐसे कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसका साइड का अलग कर देते हैं काट के, ये इतना। और देखिए, पतली होती है हमारी ममोज की सीट से फ्रेंड्स। देखिए कितने प्यारे कलर आए हैं। हमारे ममोज बनेंगे तो और भी प्यारे लगेंगे। इसी तरह सारी काट लेते हैं हम। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स देखिए मैंने सारी काट के रख ली हैं और ये कितने प्यारे लग रहे हैं मोर के पंख जैसे। फ्रेंड्स हमारे बनके तैयार हो गया। आइए एक मैं आपको बेल के बताती हूँ। थोड़ा सा मैदा लगा लें और इस तरह छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लें। फ्रेंड्स इतनी छोटी ये और इतनी पतली। आइए इसमें फिलिंग भरते हैं। इतनी और ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के ये हमारा मोमोज बन के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स ये है ना यूनिक हमारा मोमोज। फ्रेंड्स आइए इसी तरह और बना के रख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे मोमोज बन के तैयार हो गए हैं। अब आइए इनको स्टीम करना है। फ्रेंड्स हमारे पास स्टीमर नहीं इसलिए हम लोग यहाँ इसी में स्टीम करके खाते हैं। अच्छे से बना के बाज़ार से भी अच्छे बनते हैं। इसमें ये देखिए इसमें रख के यहाँ पे मैंने मोमोज रख लिए हैं और इसके ऊपर रख देते हैं फ्रेंड्स इस तरह और लीड लगा देते हैं और स्टीम होने देते हैं मोमोज पकने तक। फ्रेंड्स जब तक हमारे मोमोज स्टीम होते हैं और तब तक मैं मोमोज की चटनी बना के तैयार कर लेती हूँ। इनको उबाल लेती हूँ टमाटर और मिर्च को। फ्रेंड्स चार टमाटर हैं और चार पांच लाल मिर्च हैं और इनको अच्छे से उबाल लेते हैं। फ्रेंड्स टमाटर हमारे अच्छे से उबल चुके हैं। इनकी स्किन देखो निकलने लगी है और आइए इसे बाहर निकाल लेते हैं और मिक्सर जार में डाल के पीसते हैं ठंडा करके। फ्रेंड्स हमारा टमाटर ठंडा हो चुका है और मैंने मिक्सर में 8-10 कलियाँ लहसुन की डाली हैं और अदरक डाली है और इसमें ये टमाटर और लाल मिर्च भी डाल देते हैं। ये ठंडा हो चुका अच्छे से और इनको डाल के पीस लेते हैं। थोड़ा सा नमक भी डालते हैं स्वादानुसार और फ्रेंड्स इसको पीस लेते हैं। फ्रेंड्स चटनी हमारी पीस चुकी है ये देखिए कुछ इस तरह। आइए इसको बाउल में निकाल लेते हैं। आइए गाइस इधर देखते हैं मोमोज को अपने। मोमोज हमारे पक चुके हैं फ्रेंड्स और इनको निकाल लेते हैं किसी प्लेट में और दूसरे मोमोज भी भाप में पका लेते हैं। आइए इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। फ्रेंड्स गाइस हमारे मोमोज स्टीम हो चुके हैं और आइए इसे प्लेटिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ लोग फ्राई करके खाते हैं तो आइए थोड़े फ्राई करके भी आपको मैं दिखाती हूँ। हमने तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और इसको फ्राई करके दिखा रहे हैं आप। आइए फ्रेंड्स फ्राई करते हैं। धीरे धीरे फ्राई होंगे तो और अच्छे लगेंगे कुरकुरे कुरकुरे। फ्रेंड्स हमारे मोमोज फ्राई हो चुके हैं और आइए इन्हें निकालते हैं टिश्यू पेपर पे और प्लेटिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे रंग बिरंगी मल्टी कलर मोमोज बनके तैयार हो चुके हैं और ये मेरे फ्राइड किया हुआ है और ये मैंने बॉईल किए हुए हैं। दोनों ही खाने में बहुत ही बेहतरीन है फ्रेंड्स इसका स्वाद। और ये फ्राइड वाले तो और भी अच्छे लगते हैं अभी गर्मा गर्म है और ये भी अच्छे लगते हैं जिसका जो मन होगा वो खाएगा मेरे घर में। फ्रेंड्स कुछ मैंने इस तरह के डिज़ाइन के बनाए हैं ये देखिए फ्रेंड्स। और चटनी तो मैंने आपको बताई थी कितनी चटकारेदार और खट्टी तीखी चटनी। सो फ्रेंड्स हमारी ये मल्टी कलर मोमोज आपको कैसे लगे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी डिशेज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।